गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटरनेट. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. सो इन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आई टोल्ड यू अबाउट 1969 द यूएस डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट सेट एन एजेंसी. दैट एजेंसी नेम इज एडवांस्ड Research Project Agency. This agency has created a network of 4 computers to exchange and share the information, and the network is called Advanced Research Project Agency Network. That is the name of ARPA. ARPA is the full form of Advanced Research Project Agency Network. So ये सारी चीज़ें आपको explain कर दी गई हैं. सो नाउ पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, इसमें हमने देखा था वर्ल्ड वाइड वेब. तो www जो है वो एक ग्लोबल रीड राइट इंफॉर्मेशन है. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, इमेजेस होते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे वेब पेज पर, वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होती हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं. सो उसके बाद थी एक और सर्विस जो हमारी थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस. ईमेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम इन ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, उसमें हमारे जो है स्टोर कर सकते हैं. सो द कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ सेंडिंग मेल्स ऑन द इंटरनेट हैज़ टोटली चेंज द करस्पॉन्डेंस ऑफ सिस्टम. अब हम बात करें प्रीवियस टाइम की, तो प्रीवियस टाइम में क्या होता था कि जो लोग होते थे वो पोस्टमैन के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाकर किसी को लेटर वगैरह सेंड करते थे. बट नाउडेज ईमेल आया मार्केट में, तो ईमेल एक सिंप्लिसिटी, सिंपल प्रोसेस है, कन्वीनियंस है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, अफोर्डेबिलिटी हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है, कोई इसमें आपके अलग से जो है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है ना. तो आप सेंड कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को. अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, किसी को कोई लेटर हो, कोई इन्विटेशन कार्ड हो, या कोई आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, है ना. तो वो सारी चीज़ें हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं. और वर्ल्ड वाइड भी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका जो ईमेल है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सेंड हो जाती है. इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. तो फीचर्स क्या हैं इसके, सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल आर एज फॉलोज. ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स. ईमेल जो है सबसे फास्टेस्ट वे है जिसके थ्रू आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो ईमेल सेंड करने के लिए कोई अलग से आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में होना चाहिए. आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है, दैट मीन्स यू कैन ईजिली सेंड एंड रिसीव ईमेल्स विदाउट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एड्रेस डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एड्रेस. पहले क्या होता था, जब आप किसी पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी को पोस्ट करते थे, किसी को आप लेटर सेंड करते थे, ईमेल ईमेल तो नहीं, लेटर भेजते थे, तो आपको उसके पोस्ट कार्ड परचेज करना पड़ता था. एक 3-5 रुपीज़ का आता था पोस्ट कार्ड. फिर उस पोस्ट कार्ड पर आपको अपने हैंड रिटन लिखना होता था, और उस पोस्ट कार्ड पे आपको उस रिसीवर का कंप्लीट एड्रेस, नेम, सिटी, पिन, ये सारी चीज़ें लिखनी होती थी, है ना. और इसको वो क्या करता था, सेंड करता था, तो ऑलमोस्ट 5 days, 3 days, 7 days इतना टाइम लग जाता था वो पोस्टमैन वहाँ तक लेटर को पहुँचाने में. अभी क्या हो गया कि अभी नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, ये सारी चीज़ें ना यूज़ करके हम सिर्फ एक ईमेल एड्रेस रखते हैं. तो ईमेल आईडी होती है. ईमेल एड्रेस इज़ गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ info@kips.in. इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है ईमेल एड्रेस का. आप लोगों ने बना रखी है ईमेल आईडीज, ऑलरेडी सब बच्चे जानते हैं. आई होप सेम मैसेज कैन बी सेंड टू अ नंबर ऑफ अ पर्सन विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट.
है ना। तो किसी और को अगर हम मैसेज भी सेंड करना चाहें उसके नंबर के, तो हम वो भी कर सकते हैं। सेम मैसेज कैन बी सेंड टू अ नंबर ऑफ पर्सन विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। यानी अगर आप मान लीजिए आपके बर्थडे में इनवाइट कर रहे हैं, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो उस सेम ईमेल को आप डिफरेंट यूजर्स को एक ही साथ भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। कोई आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता, आप एक ही ईमेल मल्टीपल यूजर्स को, मल्टीपल डिफरेंट पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं। द चांस ऑफ मैसेजेस बीइंग लॉस्ट आर नेग्लिजिबल। मैसेज आपका लॉस्ट हो जाए, आपका ईमेल पहुंचे ही ना, या आपका ईमेल बीच में डिलीट हो जाए, ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं, नेग्लिजिबल है। वी कैन अटैच फोटोज, वीडियोस और एनी अदर इम्पोर्टेंट डेटा अलोंग विद आवर मैसेजेस विद नो एडिशनल कॉस्ट। आप अपने ईमेल के साथ में कोई टेक्स्ट मैसेज तो सेंड कर ही सकते हैं, उसके अलावा कोई अपने इमेज हो या कोई फ़ोटो हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई वीडियोस हो, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा फाइल हो, वो भी आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अटैच का मतलब होता है कि हम इसके साथ में लगा कर भेज सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपकी नोटबुक को अटैच कर लेते हैं ना आप, मान लो एक्स्ट्रा आप शीट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्री शीट्स, तो आप उसको क्या कर लेते हो, थ्रेड के थ्रू अटैच कर देते हैं, या हम उसको स्टेपल कर देते हैं। तो उसी टाइप से आप अपने लेटर के साथ में भी कोई इमेज वगैरह इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। अटैच का मतलब वो पिन लगा के नहीं होगा बेटा, आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाएगी, अटैच हो जाएगी और वो रिसीवर के पास में रिसीव हो जाएगी। सो वी कैन अटैच फोटोज़, वीडियोज़ और एनी अदर इम्पोर्टेंट डेटा अलॉन्ग विद और मैसेज विद नो एडिशनल कॉस्ट। तो सब जो है पॉपुलर साइट्स हैं, ईमेल के लिए भी कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो ईमेल सर्वर होता है, वो ईमेल वेबसाइट्स को रन करता है, जैसे आपने देखा gmail.com, yahoomail.com, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो वेबसाइट्स जो हैं आपकी इस टाइप के ईमेल्स को, ईमेल जो साइट्स हैं उनको रन कर रही हैं, है ना। जैसे यहाँ पर www.gmail.com, www.yahoo.com.in और आपकी है रेडिफ मेल, हॉट मेल, है ना, sifi.com, ये सारी इसी में आती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ईमेल, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल विदाउट एनी कॉस्ट हम इजीली हमारे मैसेज को, हमारी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से पहले आपको नेम, एड्रेस, पिन नंबर, सिटी, है ना, तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती थी। अब इन सबको रिप्लेस कर दिया ईमेल ने ओनली ईमेल एड्रेस के थ्रू। आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस याद होना चाहिए, अगर ईमेल एड्रेस प्रॉपर याद है तो आप उस पर्सन को, किसी भी पर्सन को, यानी अगर आपको उसका ईमेल एड्रेस याद है तो हम उसको ईमेल सेंड कर सकते हैं। और वो दुनिया में कहीं भी बैठा हो, पूरे वर्ल्ड में, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वी कैन ईजिली सेंड, जस्ट वन माउस क्लिक के थ्रू हम इसको सेंड कर सकते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका ईमेल सेंड हो जाएगा और यूज़र को उसी टाइम, प्रेजेंट टाइम में वो लेटर या वो ईमेल या वो फाइल रिसीव हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट आपका है बेटा ई कॉमर्स। देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मीन्स होता है बेटा बिजनेस करना, है ना। अब बिजनेस, कॉमर्स का मीन्स क्या होता है, बिजनेस। अब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप, तो वो जो ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं वो एक टाइप से बोला जाएगा ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कमर्शियल एक्टिविटीज़ ओवर द इंटरनेट विच ऑफर्स यू कन्वीनियंट वे टू शॉप फ्रॉम योर होम और ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक एयर, रेल, मूवी टिकट्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बुक, गिफ्ट्स। आप क्या कर रहे हैं भाई अभी, कि हम पूरी दुनिया में से कुछ भी परचेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट के सर्विसेज में आता है आपका ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज़ को परचेज कर रहे हैं, अब वो परचेज़ इन द सेंस आप मान लीजिए कोई बुक्स परचेज़ कर रहे हैं, कोई आप जो है ग्रॉसरी का सामान परचेज़ कर रहे हैं, कोई आपने ना ऑनलाइन टी शर्ट्स बुक किया है, ऑनलाइन टी शर्ट्स जो है आपने परचेज़ किया, या आपने कोई ऑनलाइन टॉयज़ परचेज़ किए, है ना। तो अगर हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनसे हम कोई परचेज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम मान लीजिए कोई होटल बुक कर रहे हैं, होटल बुक करने के अलावा हम जो है रेलवे टिकट, एयर टिकट बुक कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई, बिज़नेस तो हो रहा है ना, उन लोग का बिज़नेस तो हो ही रहा है। तो आप अगर अपने जेब से पैसा कहीं पर पे कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग सम बिज़नेस।
तो उस बिज़नेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। और ई कॉमर्स के थ्रू हमारे इंटरनेट की जो बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप मूवी टिकट बुक कर रहे हो, एयर टिकट बुक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज़ कर रहे हैं, क्लॉथ्स परचेज कर रहे हैं, गिफ्ट्स परचेज कर रहे हैं, बुक्स परचेज कर रहे हैं, सो यू कैन बाई और सेल न्यू और सेकेंड हैंड गुड्स। तो हम अभी क्या कर सकते हैं भाई, न्यू आइटम्स परचेज भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ओल्ड आइटम्स भी आपने देखा होगा अभी, जैसे कार्ड देखो डॉट कॉम पर पुरानी कार, जो ओल्ड कार्स होती हैं, यूज्ड कार्स, वो भी हम उससे परचेज कर सकते हैं। हमारी कोई यूज्ड कार्स हैं, यूज्ड बाइक है, तो आप उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। जैसे OLX.com है, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी आपका जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, जैसे आप कुछ परचेज़ करना, कुछ बुक करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपकी ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे eBay.com, Amazon.com, Flipkart, Snapdeal, Zomato। ये Zomato जो फूड आइटम्स आप परचेज कर रहे हैं ना, Zomato, Swiggy, ये भी आपके जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ही आएगा। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो इसमें देख लो, सबसे पहले इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। इंटरनेट की जो मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं उसमें वर्ल्ड वाइड वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल और ई कॉमर्स, ये हमने आज देख लिया। तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। और इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है, ये मे बी पॉसिबल कि ये तो आएगी ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीफ हिस्ट्री इंटरनेट की। 1969 याद रख लो, US डिफेंस और डिपार्टमेंट ने एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी जो था एजेंसी को एक हायर किया, और उस एजेंसी ने एक 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क क्रिएट किया था। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड अर्पानेट, और बाद में यूनिवर्सिटीज़ ने उसको इम्प्लीमेंट कर करके उसको एक बड़ा ह्यूज इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया। और अभी इंटरनेट को कोई एक ऑफिस या एक कंपनी रन नहीं करती है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, वो इसको रन कर रही हैं। तो आप इसको जो है बेटा प्रॉपरली देख लेना। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसके थ्रू हम मैसेज को, हमारी इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। पहले आप जो है ईमेल के लिए आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिटी नंबर, ये सारी चीज़ें लेनी होती थी, अभी सिर्फ ईमेल एड्रेस होता है और ईमेल एड्रेस के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो नाउ थैंक यू सो मच। कल हम देखेंगे इसके आगे का, न्यूज़ वगैरह, चैटिंग, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपकी इंटरनेट सर्विसेज में ही आती हैं। थैंक यू सो मच।